सब्सक्राइब कीजिए इजी टू कुक चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कोकोनट डेट्स मिल्क बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ एक बड़े साइज का कोकोनट लिया था, जिसको हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस में निकाल लिया है और हमने इसका ये ब्राउन पार्ट भी रखा है। और हमने यहाँ 15 से 16 डेट्स हैं जिसके हमने सीड्स निकाल दिए हैं और बहुत छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम फ्रेंड्स अपना एक मिक्सी का जार ले लेंगे। मेरा मिक्सी का जार थोड़ा छोटा है, इसीलिए मैं अपना एक कोकोनट को दो बार में पीसूंगी। हम आधा कोकोनट डाल लेंगे, बस। और हमारा ये देखिए एक ग्लास पानी है, हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल लेंगे। लगभग एक से डेढ़ सर्विंग स्पून हमने इसमें पानी डाला है और अब हम इसको पीस लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा कोकोनट अच्छी तरीके से बिल्कुल क्रश हो गया है, बारीक क्रश हो गया है, लेकिन ये थोड़ा अभी ड्राई है, इसीलिए हम इसके अंदर लगभग ये जो हमारा पानी है इसका हम हाफ पानी इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए डाल दिया है पानी और अब हम इसको दोबारा से चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो कोकोनट था वो अच्छी तरीके से पिसकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसी तरीके से जो हमारा ये बाकी बचा हुआ कोकोनट है इसको भी हम थोड़ा सा पानी डालकर चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपना कोकोनट में थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पीस लिया है और एक इसको हमने पैन में निकाल लिया है। इसी तरीके से हमारे जो ये डेट्स हैं इसमें भी हम एक छोटी आधी कटोरी पानी इसमें डाल देंगे और इसका भी एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारे जो खजूर थे ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पिस गए हैं, अच्छा सा फाइन पेस्ट बन गया है। इस मिक्सचर को भी हम अपने जो कोकोनट का जो हमने मिक्सचर बनाया है पानी डाल के इसी में ही हम इसको डाल देंगे। अब हमने ये अपना जो पेस्ट बनाया था डेट्स का वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे। छानने के लिए हमने फ्रेंड्स एक नीचे बोल रख लिया है और उसके ऊपर रख ली है छलनी। अब हम अपना ये मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके और अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर इसका जो सारा लिक्विड है वो सब स्ट्रेन कर लेंगे। फ्रेंड्स जब हम इसके अंदर डेट्स डालते हैं तो इसका रियली जो स्वाद आता है वो बहुत अच्छा आता है, एक नेचुरल स्वीटनेस मिलती है, वो बहुत टेस्टी लगती है। और ये वाली ड्रिंक आप गर्मियों में बनाइए, रियली बहुत बढ़िया लगेगी। इस तरीके से हम दबाकर अच्छी तरीके से दबाकर हमारा जो कोकोनट मिल्क है उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा कोकोनट डेट्स मिल्क बनकर तैयार हो गया है और जो हमारा ये पल्प बचा है इसको अभी हम दोबारा से मिक्सी में चर्न करेंगे आधा ग्लास पानी डालकर, जिससे कि हमारा जो कोकोनट मिल्क है हमें और भी मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने पल्प को दोबारा से आधा ग्लास पानी डालकर अच्छे से चर्न कर लिया था और अब हम इसको भी छलनी डालकर ऐसे स्ट्रेन कर लेंगे। ये जो पल्प अब बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रेन हो गया है और इस पल्प का आप आटे में डालकर आटा बना सकते हैं और इसके पराठे या रोटी बहुत टेस्टी लगती है। और हमारा ये फाइनली कोकोनट डेट्स मिल्क बनकर हो गया है रेडी। इस कोकोनट डेट्स मिल्क को हम लगभग 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे बिल्कुल ठंडा करने के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा कोकोनट डेट्स मिल्क बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है। फ्रेंड्स ये वाला जो ड्रिंक हमने बनाया है ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। आप इसको ज़रूर से बनाएं और आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और सर्व करने से पहले बस आप इसके अंदर थोड़ी सी ये गुलाब की पत्तियाँ हैं ये भी डाल दीजिएगा, इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। एक एरोमा जो आता है गुलाब की पत्तियों का वो बहुत अच्छा आता है। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा कोकोनट डेट्स मिल्क और आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।